थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा है भाई वृंदावन की होली की। यार देखो नीचे से टकर रहा है ना, टकर रहा कहीं पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग, होप सो मजे होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहने का भी है। और इतनी एनर्जी वह इसीलिए क्योंकि हम लोग कर रहे हैं एक लॉन्ग राइड की प्लानिंग। और लॉन्ग राइड पे जाने से पहले हम लोग रुद्रा को भाई कुछ मॉड करवाने वाले हैं, तो उसके लिए भाई मुझे आज जाना पड़ेगा पहले बिरही, क्योंकि वहीं पे हम लोग कुछ नया उस पर ट्राई करने वाले हैं। बहुत टाइम से लोग कह रहे हैं कि वो बना दो, बट भाई अब जाके हम उस चीज़ पे भाई पहुँचे हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बिरही के लिए। तो निकलने से पहले मैं बता दूँ कि आज है फूलदेही, तो फूलदेही की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। फूलदेही एक ऐसा त्यौहार है उत्तराखंड में जिसमें भाई जो नए नए फूल होते हैं ना, उगते हैं ना, तो उनको भाई निकालते हैं और घर घर जाके भाई ऐसे फूल भाई करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बचपन में हम लोगों ने भी किया है। और जिन जिन ने फूलदेही वाला त्यौहार बनाया है ना, कमेंट में एक बार फूलदेही की हार्दिक शुभकामनाएं जरूर लिखिए। तो फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं बिरही के लिए। ये न्यू व्लॉग बहुत ही सडन भाई शूट हो रहा है, और शूट इसलिए हो रहा है कि हमारे पास आ जाए रुद्रा और बुलेरो कैंपर, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा टायर को मॉड किया जाए, क्योंकि सेम साइज़ के टायर हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इसके टायर इस पर लगा के चेक करें। तो हम लोग चेक करके देखते हैं कि कैसा हम लोगों को मिलता है। और यहाँ पे हमारे दो माफिया सर 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 सर, और इधर हमारे एडवोकेट साहब, सारे एडवोकेट साहब इधर बैठ रहे हैं। एडवोकेट साहब लोगों से ही मिलाते हैं हम। ये देखिए हमारे एडवोकेट साहब इधर, एक भाई जी पीछे। आज हम लोग का भाई बुलेरो कैंपर, तो ये हमारा भाई हमेशा टायर बदलते रहेगा हमेशा, जो जो एस कुमार की दुकान बंद हो रही है ना अमन भाई, अब मेरे को लग रहा है 520 जी लेंगे वहाँ पे 20 टायर वो पंचर वाले। वो तो बड़े बड़े नाम टायर को चेंज कर रहा है, और पीछे कैमरा में पीछे दिखाओ यार, एक टायर लगने वाला है। बहुत लोग बोले टायर चेंज करो टायर चेंज, देखते हैं आज लगेंगे ये वाले टायर इस पे। तो भाई ये परफेक्ट टायर पंचर वाला है भाई, अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए गाड़ी बस। क्यों हल्का सा पीछे करो, हाँ पीछे हल्का सा पर रोक दो एक मिनट भाई, ठीक है बंद कर दो, हैंड ब्रेक खींच दो। अब जब दिल्ली जाते हो तो हमारा सामान भी ले आओ। तो मेरे को लग रहा है भाई जी भाई को वृंदावन साथ में ले जाना पड़ेगा अपने साथ। पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे 10,000 रुपए। अबे छोटू हट जा। तो बिस्ती टायर वाले आ जाएगा भाई, आ जाएगा भाई, टायर चेंज करने वाला। ये थोड़ी बोलते ब्रेक दबाओ, ये दबाओ, पैसे किस बात के लिए दे रहे हम। ना यार उतार उसको, सारा वो बाहर आ जाएगा तेल, मुझे लग रहा है चेंज करवाना पड़ेगा इसके लिए। नहीं तो भाई ये हो चुका है फेल, फ्लॉप। तो हमारा जो प्लान था वो कैंसिल हो गया, लेकिन हम कुछ ना कुछ कांड करने वाला है, बहुत खतरनाक वाला। हम सोच रहे हैं अलॉय भाई वही रखें और टायर चेंज कर लें। टायर के लिए हमको जाना पड़ेगा वर्कशॉप पे। बस ये दिक्कत है कि जो ये वाला पोर्शन है ना भाई, ये बहुत सारा मतलब थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, और जो उसका साइज है बहुत छोटा हो गया। तो अब ये मुझे नहीं पता कि खुलता है कि नहीं, वैसे खुलता तो है लेकिन ये पूरा खुल जाएगा, फिर उससे दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि ये और शिफ्ट करें, और इधर भाई कुछ और कर रहा है अभी, तो चलते हैं फटाफट। गाइस अभी सीन हो चुका है क्योंकि टायर तो फिट आया है नहीं, तो अभी देख रहे हैं अभी रिम चेंज करने की, देख रहे हैं कि जो जिमनी के मेन टायर हैं उस पर रबड़ उतार के जो हमारा कैंपर का टायर का वो है टायर, उसको फिट किया जाए। तो देखो अभी होता क्या है। तो अभी जा रहे हैं हम वर्कशॉप पे जा रहे हैं टायर पलटी करने के लिए। भाई मैं अभी चला रहा हूँ कैंपर को, कैंपर का भी मजा लगे भाई। और इधर साइड देखो भाई हमारी रुद्रा जो पीछे से आ रही है, क्या मस्त लगता है भाई। तो आज दो दो हमारे पास दो दो 4x4 है, पूरे मजे लेंगे हम, ये इसका मजा अलग है भाई। और ये
निकाल ले हम आगे का पहिया। चलो 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 आराम से भाई साहब, मुझे तो ठीक लग रहा, थोड़ा स्टेयरिंग इधर काटे। भाई जी कुछ नहीं करना अमित भाई, ओ अमित भाई कुछ नहीं करना, ये टायर लगा के बम्पर चेंज करना है। यहाँ देखो आगे का लुक देखो आप टायर का, आओ तो सही इधर तो आओ कुछ नहीं करना, यहाँ देखो मैं बता रहा, इधर से आओ आप आगे से देखो ये अब आप देखो आप खुद आपने उससे देखो बम्पर और उसको देखो टायर का देखो। हाँ भाई, भाई जी बताओ। हाँ ठीक, अब देखो इस पर देखो खाली बम्पर चेंज करना है बस, ये देखो सही आ रहा भाई देखो, चेयरिंग काटो ना। हाँ आप चेक करना ना एक बार, बम्पर नहीं हटाना ना, ना बम्पर, अरे ना बम्पर में तो फिर भी देखो ना क्या सॉलिड लग रहा है भयंकर। जाओ आप जाओ, टायर सही लग रहा है ना वैसे, और कुछ नहीं टायर सही लग रहा भाई, फिर उससे हल्का सा भार लग रहा भाई। अरे भाई जी भार है, काफी भार है, इधर करो अभी। हाँ अंदर भी तो होगा जितना भार, हाँ हाँ उतना अंदर भी, हाँ हल्का सा काट दिया, टकर रहा हल्का सा, हाँ इधर काट, इधर काटो, काटा कर रहा हूँ, पूरा काटो ना, पीछे सही है, पीछे सही है, पीछे सही है, अपने साइड घुमाओ थोड़ा सही, यहाँ देखो नीचे से टकर रहा है ना, टकर रहा कहीं पे, हाँ हल्का सा ना वो तो हो जाएगा ना, ना हल्का गैप है उसमें। भाई जी सीधा करो स्टेयरिंग, सीधा सीधा करो बस, भार लग रहा है काफी, इससे तो काफी भार लग रहा, रिम पतला है ना, हाँ रिम पतला है ना, फिर भी काफी देखो ये तो इतना इतना आ रहा था, मुझे लग रहा है इसका टायर यू वाला, हाँ हल्का सा इतना आ रहा था। भाई जी यही करते हैं क्या, रिम चेंज करना, इसी पे चला दो, ये देखो आप कितना भार आ रहा हो, देखो मस्त लग रहा है, मस्त है, हाँ लगाओ चार के चार में, बारीक वाले में वगैरह। तो भाई हम लोगों ने चेंज तो कर दिया है, देखो भाई इस साइड को हमने दोनों बना दिए हैं भाई खतरनाक, और इस साइड है स्टॉक, देखो इस साइड स्टॉक बना रखे हैं भाई, देख रहे हो तो लुक देख रहे हो आप कितना चेंज हो गया अब भाई, हम लोग सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए ला रखे। तो फाइनली हमारे चारों टायर लग चुके हैं, और अब देखो भाई बहुत सही भाई, बहुत सही लुक इन थोड़ा है, ठीक है भाई जी मिलते हैं भैया, भाई हम परेशान हो गया आप, नहीं नहीं तो भाई बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है, और मुझे तो लग रहा है कि भाई बहुत सही इनहेंस हो रही है, अब देखते हैं कैसा लुक आता है। जो हमारा आज का प्रोजेक्ट है इसके भाई टायर को चेंज करना, तो फाइनली हम लोगों ने टायर चेंज कर लिया पूरे, और टेस्टिंग में हम लोगों ने कर दिया है, बॉडी रोल थोड़ा सा काम है, बट यह है कि यार भाई बहुत इन्हेंस लग रही है भाई सच में, चौड़े टायरों के साथ तो बहुत इन्हेंस लग रही है। एक्चुअली साइड प्रोफाइल दिखाते हैं हम आपको, साइड प्रोफाइल से देखो भाई क्या मस्त लग रही है, देख रहे हो। तो अभी हम लोग आए ट्रायल पे, और ट्रायल तो हमने कहा बाद में होता रहेगा, बट आज अमन जी भूख तो लगी गई है सुबह से, भूख लगी गई है भाई बहुत तगड़ी वाली, तो हम कुछ खा पी लेते पहले। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, और घर पे आते ही सबसे पहले मम्मी की गाली खाई, मम्मी कह रही कि यार टायर क्यों लगाए तुमने, पुराने वाले भाई टायर अच्छे थे। मुझे लगता है सबकी मम्मी इतनी डेंजर होती है यार, कि भाई उन्हें पता नहीं रहता कि क्या मॉड है क्या कुछ है, वो उनको आते मेरे को सीधा गाली देने कि ये टायर कौन से लगा दिए तुमने, ये तो गाड़ी के लगने दें, ये सब वैसा कितना कुछ सुनने को मिल रहा है। बट मेरे को लगता है कि बहुत सही डिसीजन है हम लोगों का, हम लोग जो टायर मॉड करवाए हैं, और भाई अभी जाकर लुक बहुत इन्हेंस हो रखा है भाई, मैं भी मॉर्निंग में भी देख रहा था ना, तो देखो क्या मस्त लग रही है, थोड़ा उठी उठी भी लग रही है मुझे जितने लगता है, तो क्या बोलता है इन्हें रहने दे। तो फाइनली हमारी रुद्रा वृंदावन जाने के लिए रेडी हो चुकी है, तो भाई हम लोगों ने जिस प्रकार से उसके टायर अपग्रेड किया ना बहुत ही प्यारी लग रही, आप लोगों को कैसे लगे ये अपग्रेडेशन कमेंट में बताएं, और यही हम लोगों को रखने चाहिए टायर या नहीं आप लोग ये भी बता सकते हो। तो अभी तो भाई प्रॉपर हमारा वृंदावन का टूर एकदम रेडी हो चुका है, लेकिन यह कि कुछ सारे कन्फ्यूजन है कि गाड़ी लेके जाएँ या बाइक लेके चलें या ट्रेन से बस से, वो अभी हम लोगों को कुछ ही फिक्स नहीं हो पा रहा है, देखते हैं क्या होता है, बट अपनी गाड़ियों को रेडी रखा हुआ है मैंने, जिस पे भी जाना होगा प्रिपेयर करके रखेंगे,
और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा है भाई वृंदावन की होली की, तो व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। मैं गोपेश्वर दा भी बंदा जिवे आके आया आके वी ना बनाया ना कमाया ना नी गवाया, तेनू मेरी गल्ला सारी सोनी क्यों नी लगदी है तू लगे।